मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात व्हाट्सएप कॉल करने वाले एक शख्स ने खुद को इकबाल कास्कर का आदमी बताते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कहा, जल्द ही तुम्हारी हत्या होगी, हमें इसकी सूचना देनी थी तो दे दी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने व्हाट्सएप कॉल की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई, फिर देर रात टीटी नगर पुलिस थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाई। देर रात 2 बजे सांसद कार्यालय की तरफ से सूचना दी गई कि साध्वी प्रज्ञा को धमकी भरा कॉल आया है, जिसके बाद कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गई। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद पुलिस ने धारा 506 और 507 के तहत केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो, अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कास्कर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कास्कर कौन है, ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कास्कर, ये तो बता दो, हमारी हत्या करोगे, क्यों करोगे भैया, क्या कारण है बताना जरा, क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या, हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो, कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते, अमृत बरसाते हैं? मुसलमान अमृत बरसाते हैं? हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? आपको मालूम पड़ेगा। अरे हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, तुम तो हमारी हत्या कर दोगे। हम तुमको सूचना देनी थी, दे दिए, ठीक है? अरे सूचना, अरे भाई जरा दम रखते हो तो चलो कत्ल तो कर देना, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? अब मुझे ये बता दो कि काय चीज की तकलीफ हो गई तुम्हें, मार दोगे तो हमें फिर कैसे पता चलेगा, जिंदा है तब तक बता दो, बता दो। हमारा जो आदमी मारेगा वो आदमी हमको तुम्हारा को बताएगा। अरे तो वो तो हम मर जाएंगे, फिर कैसे बताएंगे, नशे में बोल रहे हो क्या है? नशे में हम क्यों बोलेगा, नशे में तुमको तुम्हारी हत्या होने वाली है, तुमको सूचना देनी थी, हमने दे दी। तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम सामने आके बोल दो ना भैया, भाई मारने ही वाले हो तो सामने आके बोलो, जिगरा है तो जरा सामने बोलो। मारते हो को सामने आके मारेंगे तुम्हारे, जब देखना जिगरा है क्या है, तुम्हारे अंदर जिगरा होता तो सामने आके बोलते, समझे? फालतू की बात करना नहीं, सामने आके मारते। अरे चुप बे। बता दे कि यह कोई पहली बार नहीं है कि जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली हो। सांसद बनने के बाद से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कई बार अनजान नंबरों से धमकी भरे मैसेज और कॉल आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।